बस यहाँ पर तैयारी हो रही है मटन स्ट्यू बनाने की। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, मतलब इस साइज़ की हूँ। ये देखिए ज़्यादा लार्ज तो इतनी बड़ी होती है, लेकिन मीडियम साइज़ की इतनी होती है। तो मीडियम साइज़ की 3 प्याज ली है, जिसे मैंने रफली स्लाइस कर लिया है। हल्दी ली है, नमक लिया है, यहाँ पर ली है साबुत लाल मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये गर्म मसाला साबुत जो मैंने थोड़ा थोड़ा ले रखा है। इसके अलावा मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1/2 किलो का करीब मटन, जिसे मैंने वॉश करके रख लिया है। चलिए अब तैयारी करते हैं आगे की। फ्रेंड्स, यहाँ पर डाला मैंने 1/4 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल, जिसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे गर्म मसाला, जिसमें मैंने ज़ीरा लिया है और छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, जावित्री, लौंग और काली मिर्च। फ्रेंड्स, मैंने गर्म मसाला डाल दिया है, क्रैकल करने लगे हैं ज़ीरा। अब हम डाल रहे हैं इसमें, ये देखिए 9 से 10 सूखे लाल मिर्च, जिसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट रखा है। और साथ ही में हम डाल रहे हैं यहाँ पे 3 बड़े साइज़ की प्याज, काफ़ी लार्ज है ये, लार्ज अनियन है ये, क्योंकि यहाँ पर मैं 1/2 किलो से ज़्यादा यानी कि 1.25 किलो गोश्त ले रही हूँ, मटन ले रही हूँ, तो उस हिसाब से 3 बड़ी साइज़ की प्याज लगनी है इसमें, क्योंकि और मसाले तो जाने नहीं है, सिर्फ प्याज ही जाएगी, उसका ही टेस्ट आना है। तो आप जितना भी गोश्त लें उस हिसाब से ज़्यादा ही रखिएगा प्याज को। और स्लाइस में काट लिया है मैंने, हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी फिर इसमें हम डालेंगे मटन, इसकी भुनाई करेंगे प्याज के साथ। बस थोड़ा देर सॉफ्ट हो जाए फिर मटन डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। वैसे तो बेसिकली इसमें ट्रेडिशनली पेस्ट नहीं डलता है, लेकिन मैं इसमें पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो कूटा हुआ अदरक और कोटी भी लहसुन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच। तो अभी मैं बस वेट कर रही हूँ इसके सॉफ्ट होने का। वॉश हुआ हुआ है, 1/2 किलो से ज़्यादा है, थोड़ी सी चर्बी भी है, फैट भी है। अब दोनों को अच्छे से भूनेंगे और इसी टाइम में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून। हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून और नमक 1 and 2 टेबल स्पून सॉल्ट, टेस्ट के हिसाब से डालिएगा आप अपने घर में, जैसे भी आप पसंद करते हैं नमक। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनना है हमें, हाई फ्लेम कर लीजिएगा, हाई फ्लेम पर अच्छे से भून के और फिर हम इसे गलाएंगे। फ्रेंड्स, अच्छे से भुनाई हो गई है और अब इसमें हम डाल रहे हैं दही 1/2 कप और उसके से भी अच्छे से भूनेंगे, फिर हम गोश्त को गलाने के लिए चढ़ा देंगे। तो यहाँ 1/2 कप मैंने दही लिया है, जिसे मैंने फेंट लिया अच्छे से, दम स्प्रे कर लिया है। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके और भुनेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, और उसके बाद गर्म पानी डाल के इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। तो बस अब इसके हम हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आप चाहे तो कूटा हुआ डाल सकते हैं, यहाँ पर पाउडर फॉर्म में डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से भून लेंगे और जब अच्छे से भून जाएगा गोश्त तो पानी डाल के इसे गलाएंगे। तो हाई फ्लेम पर इसे इसकी भुनाई करनी हमें। फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है, 5 से 7 मिनट लगे हैं भुनाई करने में। अब इसमें हम डाल रहे हैं गर्म पानी 1 कप के करीब, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस 1 कप काफ़ी है इसको गलाने के लिए। अब लीड लगा के छोड़ देंगे और 1 विसल का वेट करेंगे। 1 विसल आने के बाद फ्लेम लो कर देंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे कुक होने देंगे। गोश्त गल गया है फ्रेंड्स, बिल्कुल रेडी है स्ट्यू। आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर इसमें मिर्चें आपको कम लग रही हैं तो बाद में आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। चलिए
स्वीट कॉर्न जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि मैंने स्टीम करके इंक के दाने निकाल के और फ्रेश कर लिया था, तो अब आ रही इंक यूज़ करने की। तो यहाँ पर मैं तकरीबन डेढ़ कप के करीब स्वीट कॉर्न दे रही हूँ, ठीक है। और इसे मैं हल्का सा बॉइल कर लूँगी। बॉईल करना है थोड़ा सा, बस एक बॉईल आते ही और इसे हम छान कर अलग बर्तन में निकालेंगे। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले बटर। यहाँ पे मैं अमूल बटर का सॉल्टेड दे रही हूँ, आप चाहे तो अनसॉल्टेड भी दे सकते हैं। हाफ टी सॉल्ट, सॉरी यहाँ पर मैंने बटर डाला है अमूल का तकरीबन आधा चम्मच। अब मैं सॉल्ट डाल रही हूँ हाफ टी स्पून, टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। काले मिर्च का पाउडर 2 से 3 चुटकी, इसमें हल्का मसाला डालता है, तेज़ नहीं डालता स्वीट कॉर्न में। और बहुत हल्की रेड चिली पाउडर, ये भी पिंच ऑफ डालेंगे। बहुत हल्का सा ही चाट मसाला पाउडर एंड लेमन जूस हाफ टी स्पून या आधा लेमन जूस नींबू का रस आधा मिक्सा लेंगे और टेस्ट करेंगे। कुछ ऊपर नीचे है यानी कि कम हो गया है तो उसको ऐड कर सकते हैं। इसलिए हमने शुरू में ही थोड़ी कम चीज़ें डाली हैं ताकि हम बाद में अपने टेस्ट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकें। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी हैं क्विक एंड ईजी स्वीट कॉर्न, जो कि हमने आपको मैंने बताया था कि मैं अरे उसे स्टीम किया था भुट्टो को और फिर उसे उसके दाने निकाल कर फ्रीज कर लिया था, और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उन्हें ही इस्तेमाल किया है।